जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे जनवरी और फरवरी महीने से संबंधित करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कौन देश जीता है? तो ए जर्मनी जीता है। जर्मनी बेल्जियम को हराकर लगातार तीसरी बार ए हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। और कहाँ हुआ था ये? तो अपने इंडिया उड़ीसा में हुआ था। किस राज्य में? उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के विजेता महिला सिंगल्स में कौन जीती है? तो वो जीती है अरीना सवालेंका। कौन जीती है? अरीना सवालेंका, ये बेलारूस की है। और पुरुष के नवाक जोकोविच जीते हैं। नवाक जोकोविच लगातार दसवीं बार पुरुष सिंगल्स का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीते हैं। नवाक जोकोविच जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभूषण पुरस्कार 2023, जो पद्म विभूषण जो होता है उसमें सबसे बड़ा होता है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को मिला? तो ये 6 व्यक्तियों को मिला। कितने व्यक्तियों को? तो 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को मिला है। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड 2023 के विजेता कौन बनी है? तो मिस वर्ल्ड 2023 के विजेता बने हैं आर बोनी गैब्रियल। कौन बनी है? मिस वर्ल्ड 2023 के विजेता आर बोनी गैब्रियल बनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो एक कोलम बन गया है। कौन बन गया है? कोलम बन गया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? कोलम बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल बन गई है। कौन बन गई है? एप्पल बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। नेक्स्ट देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए शरद कमल अचंता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री कौन बन गई है? तो ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री बन गई है एम योह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बन गई है। ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री कौन बनी है? एम योह। नेक्स्ट देखते हैं कि 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पंकज अडवाणी को, जो बिलियर्ड्स खेलते हैं उन्हीं को सम्मानित किया गया है। बिलियर्ड्स। नेक्स्ट है कि पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है ओनी लेखरा को। किसको? ओनी लेखरा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चक्रवात गैब्रियल किस देश को अपनी चपेट में लिया था? तो ये न्यूजीलैंड को, जो अभी इसके प्रधानमंत्री है क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट देखते हैं कि फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में शीर्ष पर कौन राज्य रहा? तो ये महाराष्ट्र रहा। कौन रहा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं कि काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मुंबई में शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नागपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नागपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है? तो ये 1.78 अरब डॉलर। याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र या देश तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की राशि की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। एक काम करना 1946 से शुरू किया। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में।
इसके अभी अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत को लोन कब से देना शुरू किया, तो 1948 से, कब से, 1948 से शुरू किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, तो यह है उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में, राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि ग्रेमी अवार्ड 2023 कौन जीता है, तो ग्रेमी अवार्ड 2023 है, ये म्यूजिक कंपोजर है, इंडिया के ही है, रिकी केज जो तीसरी बार जीते हैं। कितना बार, तीसरी बार जीते हैं रिकी केज, थर्ड टर्म में जीते हैं ग्रेमी अवार्ड, संगीत में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 कौन जीता है, तो गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीते हैं ये राखी कपूर, नाउ यू ब्रीथ के लिए जीते हैं राखी कपूर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये एंजेला मर्केल को किया गया है। ये पूर्व में जर्मनी की चांसलर रह चुकी है एंजेला मर्केल, अभी नहीं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन रहा, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा फिनलैंड, लगातार पांचवी बार ए हैप्पीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला देश बन गया है फिनलैंड। और भारत कितना पर है, 136 नंबर पर, भारत का स्थान 136 नंबर पर है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में जारी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल को चुना गया है, किसको चुना गया है, शुभमन गिल को चुना गया है। नेक्स्ट है आईसीसी का फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। स्थापना 1909 में हुआ था, मुख्यालय इसका कहाँ है, दुबई में। अभी चेयरमैन इसके कौन है, ग्रेग वर्कले, आईसीसी के चेयरमैन अभी कौन है, ग्रेग वर्कले। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश के क्रिकेट यान मॉर्गन ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, तो यान मॉर्गन कहाँ के थे, तो ये इंग्लैंड के। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में पहली फॉर्मूला ई रेस कौन जीता है, तो हाल ही में पहली फॉर्मूला रेस ई रेस जो वो कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, उसको कौन जीता है, तो एरिक वर्गेन जीता है, कौन जीता है, एरिक वर्गेन। नेक्स्ट है कि हाल ही में हॉल ने यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मॉरिशस दिया है, तो मॉरिशस को मार्क थ्री किसको दिया है, मॉरिशस को। हाल ही में हाल ने किस देश को अपना पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क थ्री दिया है, तो ये मॉरिशस को दिया है, किसको दिया है, मॉरिशस को दिया है। नेक्स्ट है मॉरिशस के अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रवीण जगन्नाथ। नेक्स्ट है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है, तो अदृश्य गैलेक्सी की खोज किए हैं ये इटली के शोधकर्ताओं ने, इटली के अभी प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। अदृश्य गैलेक्सी की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने किया है, तो इटली का किया है। नेक्स्ट है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया हाल ही में, तो 13 फरवरी को कब मनाया गया है, 13 फरवरी को मनाया गया है। कुछ फरवरी महीना में देख लेते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो खूब पूछता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, और विश्व रेडियो दिवस इस महीना में 13 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है कि पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को, पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। तो चलिए आज के लिए।